26 से भैरसन बरवाना जो है वो उम्मीदवार हैं और उनके हामी जो है उनमें खासा जोशो खरोश पाया जा रहा है, उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप लोग ढोल की धाम पर भंगड़े डाल रहे हैं, बड़ा जोशो खरोश पाया जा रहा है। इंशाल्लाह ताला हम निकले हैं महारसनम भरवाना साहब के लिए, पीपी 126 के लिए। हमने उनका इस्तकबाल करना है निवास चौक में और उनको वोट देने हैं। क्या आप देख सकते हैं कि कारकुनान जो है उनमें बड़ा जोशो खरोश पाया जा रहा है और जंग की रिवायत है कि आप देखें ये ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। रिवायत है कि यहाँ पर जो उम्मीदवार होते हैं वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए अपने हामियों के हमरा रिटर्निंग ऑफिस पहुँचते हैं और आज भी मैंने वही जोशो खरोश देखा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो यहाँ पर कारकुनान है उन्होंने पार्टी परचम हाथों में उठा रखे हैं, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं और यहाँ पर मौजूद हैं और उनके ऊपर फूल की पत्तियां भी नचावर कर रहे हैं और ये जो रैली निकाली गई है ये पहुंचेगी रिटर्निंग ऑफिस और वहां पर जो है वो कागजात नामजदगी मेयर असलम भरवाना जो है वो जमा करवाएंगे। यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा दिए हैं। हल्का पीपी 126 से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराया, जिसके बाद जो है वो यहाँ पे मैंने देखा कि खासा कारकुनान में जोशो खरोश जो है वो पाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं वो बड़ी तादाद में अपने उम्मीदवार के हमरा जो है वो यहाँ रिटर्निंग ऑफिस पहुँचे और उनके मेहर असलम भरवाना जो है उनके हमरा उनके भाई भी थे और ये इलेक्शन की जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जिससे मैं आपको जो है वो लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहा हूँ। अब कल का जो रोज़ है, कल आखिरी दिन है कागजात नामजदगी जमा करवाने का और बड़ी तादाद में जो उम्मीदवार हैं एन ए 109, एन ए 108, एन ए 110 और जितनी भी, क्योंकि तीन कौमी असम्बली के हलके हैं जबकि अगर बात करें सूबाई असम्बली के हलकों की तो सूबाई असम्बली के हलकों की तादाद जो है वो 7 है। ये उम्मीदवार जो हैं उनके पास कल आखिरी रोज़ है और आखिरी रोज़ जो है वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे, जिसके बाद पता चलेगा कि कितने उम्मीदवार जो हैं वो सूबाई असम्बली के हलकों में और कौमी असम्बली के हलकों में जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल थी, साथ साथ आपको मैंने ये भी दिखाया कि यहाँ पर जंग की रिवायत है कि यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो अपने हामियों के हमरा काफले की सूरत में रिटर्निंग ऑफिस में कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए पहुँचते हैं और ढोल की थाप पे रास्ते तमाम रास्ते में जो है वो भंगड़े डाले गए और ऐसा लगता था किसी बारात का जो है वो किसी बारात के मनाजिर जो हैं वो देखने को मिले, क्योंकि ये जंग में इस तरह के जो मनाजिर हैं वो देखने को मिलते हैं। और मेहर असलम भरवाना जो है उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल जो है वो उनके हामियों की जानिब से जो है वो किया गया। तो नाज़रीन इसी तरह हम आपको लम्हा व लम्हा जो है वो अपडेट रखेंगे इलेक्शन की तमाम सूरत हाल से और आखिर में आपसे जो है वो गुजारिश करते हैं कि हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमें फॉलो करें ताकि लम्हा व लम्हा आने वाली जो इलेक्शन की ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे आप बाखबर रह सकें।